जा रहे हैं ऊपर। अरे ये कहाँ से आ गया? ओ भाई सामने बंदा, एक ड्रैग हेडशॉट, 90 डैमेज, जल्दी से एक बंदा किल। ऊपर से पड़ रही है एक छोटा सा कवर। ओ भाई ओ भाई, कोई ना मारे, यहाँ पर कवर लेके बैठे। ओ भाई, अरे पीछे से पड़ रही है, फिर से कहाँ से बंदा आ गया। हेलो गाइस, वेलकम टू अर्पण गेमिंग, वेलकम टू फ्री फायर बैटल ग्राउंड्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रैंक सोलो मेरे भाई, और जो आपको रैंक पे नहीं करना चाहिए, मैं करा था, वो एक चांस था बजने के लिए मेरे भाई, वो भी बज गया। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, और चैनल पर नए आए हो ज़रूर सब्सक्राइब कर दो एंड लाइक कर दो मेरे भाई। लाइक है मैं 10,000, और नीमो टीवी पर गिवअवे है, डिस्क्रिप्शन पर लिंक से नीमो टीवी डाउनलोड कर सकते हो 10,000 फॉलोअर के बाद, वहाँ पर गिवअवे। तो मेरे भाई चलो स्टार्ट करता आर्किज रैंक मैचेस, और सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई। तो अब हम जा रहे हैं पीक पर। वाह कितना अच्छा पीक है, दो बंदा ऑलरेडी आ रहे हैं। उतरते ही मेरे को गन मिलना चाहिए, और नहीं गन मिले तो भागो भाई लोग, भागो वहाँ से, भाग जाओ। देखो दो बंदा ऑलरेडी आ चुका है, और मैं सब लोग देखोगे मेरा ज़्यादातर वीडियो में मैं लेट लैंडिंग करता हूँ। तो कोई भी बंदे पूछा था अपन भाई क्यों आप लेट लैंडिंग करते हो, मैं पहले गन देखता हूँ और कितना बंदे आ रहे हैं वो देखता हूँ। तो पहले डैमेज करेंगे, उसके बाद धीरे से। वो दो बंदा भाग रहा है, देखो मैं लेट उतरा बट मेरे को गन मिल गया। क्यों? क्योंकि मैं गन देख के उतरता हूँ, कहाँ पर बंदे उतर रहे हैं मेरे को नज़र होती है, देख के उतरता हूँ। तो यहाँ पर जल्दी से लेंगे MP40 एंड P90। भाई ऊपर लैंडमाइन लगाया था, तो जल्दी से। ओ भाई ग्रोजा एंड MP40 मिल गया। तो ऑलवेज बाउंटी यूज़ करना मेरे भाई, बाउंटी बहुत ही अच्छा होता है मैच के लिए, तो बाउंटी ऑलवेज यूज़ करना। और देखते हैं एक बंदा कहाँ पर भाग गया भाई लोग। लेवल 3 का भेज मिल चुका है, और देखते हैं वो बंदा कहाँ पर भाग। एक किल कंप्लीट, MP40 एंड गोजा का कॉम्बिनेशन, बट भेज भी मिल गया मेरे को लेवल 3 का। कहाँ पर भाग गया हूँ? यहाँ पर है बंदा, यहाँ पर आ चुका है। आई थिंक दो बंदा है, लड़ाई चल रही है। कहाँ पर गया? धीरे से जाएंगे। MP40 का स्प्रे, बंदा ख़त्म। बहुत हार्ड शॉट लिया यहाँ पर, बंदे मेरे को जानने से पहले ही मार दिया। तो एनिमी को फर्स्ट डैमेज आप देने की कोशिश करो, और बंदे को देख के कवर लेके मारो, यही चीज़ होता है। और पहले डैमेज मैं क्यों बोलता हूँ, आप पहले डैमेज दोगे तो बंदा डरेगा, वो पहले डैमेज देगा तो आप डरोगे, यही चीज़ पूरा मैच पे देखा हूँ, रैंक पे भी होता रहता है। चलो जल्दी से डैमेज करेंगे, 37, और ये बंदा किल, 3 किल कंप्लीट, वो भी पीक पे। एक बंदे को गन नहीं मिला था, एक को पीछे से मार दिया। तो चलो जल्दी से यहाँ पर लूट करेंगे, उसके बाद बंदे को ढूंढते हैं जल्दी से। MP40 स्टार वाली MP40 एंड रेट ऑफ फायर वाली ग्रोजा, एक भी मैंने नहीं लिया, एक के लिए अच्छा सा अटैचमेंट चाहिए। और चलो देखते हैं ऊपर, देखते हैं बंदा कहाँ पर बैठा है, मेरे को किल करना। आई थिंक 10 के ऊपर किल चाहिए, देखते हैं क्या होता है। डबल डोर पर बंदा है, डबल डोर पर बंदा है, रश करेंगे। तो यही बात, डबल डोर पर जब रश कर रहे हो, एक चीज़ आपके पास ग्लूवल ना हो तो कहाँ पर कवर लेना है, एक नेट करो, नेट के बाद वो बंदा हट जाएगा एक कोने पे। उसके बाद जब देख रहे हो लैंड माइन चेक करो, कितना बार सब कुछ करना पड़ता है एक रश करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हो बंदा ऊपर बैठा है, ठीक है। तो मैं सोच रहा था कि क्या करो, एक ही ऑप्शन आपके पास बचा है ऊपर जाने के बाद, लेप पर एक कवर लेने का ऑप्शन है, यहाँ पर कवर ले सकते हो, ठीक है। बट उसके पहले बंदा नेट कर दे, इसके लिए एकदम से नीचे आ गया। और जो भी नेट करे नीचे आ जाओ भाई, ऊपर रहने की ज़रूरत नहीं है। और रश करने का मेन तरीका है डबल डोर के ऊपर डूबल लगा दो, एंड जाके पूरा एकदम से लेप पर एक ऑप्शन है, बक्सा है, बक्सा बोलता हूँ मैं, बक्सा, बड़ा बड़ा बक्सा, वहाँ पर कवर ले सकते हो। तो बंदा बहुत चालू है, तब से मेरे को मारने की कोशिश कर रहा है, मैं भी उसको मारने की कोशिश कर रहा हूँ, नीचे नहीं आ रहा क्योंकि कैंपर है। जल्दी से जाएंगे यार, यहाँ पर बोल रहा था कवर ले लो, उसका शॉट मिस गया, मैं मारूंगा अब। वो ग्लूवल का कवर ले लिया, तो यहाँ पर आप कवर लेके मार सकते हो जब रश करो। फिर से डैमेज किया और बंदा भाग गया यहाँ से, वो भाग चुका है पूरा, उसको पड़ा है ना, तो बंदा भाग गया। देखते हैं कहाँ पर है, छोड़ेगा नहीं, ओ भाई ऊपर चला गया। फिर से रश करेंगे, अभी इसको छोड़ना नहीं, जल्दी से फिर से देंगे MP40 का स्प्रे, फिर से रश किया, ओ बंदा भागना नहीं चाहिए अभी, तो MP40 का और एक स्प्रे किया, बंदा ख़त्म, बहुत हार्ड। तो छोड़ेंगे नहीं भाई, पीछे से एकदम बैठे रहो, और जैसे रश करना है ऐसे में कवर लिया, ऐसे आप रश कर सकते हो ईजिली सोलो पे, बट सोलो पर से स्क्वाड ऐसे रश मत करो, घर पे चार बंदा रह सकते हैं। यहाँ पर फिर से एक बंदा है, फिर से अब ग्लूवल का कवर लगा दिया, वो वहाँ से ही देखा गया एक छोटी सी जगह से, तो उसको हेडशॉट लेना है, नहीं तो रश नहीं करूँगा। ऐसी जगह पर कभी मत रश करना, देख के रश करना, जो हुआ था इसके बाद देखना जो गलत हुआ था मेरे साथ, वो नहीं होना चाहिए था। बंदा कहाँ पर बैठा था,
देख रहा है यहाँ पर पीक पर ओ भाई हेडशॉट, पूरा एकदम हेडशॉट पड़ा, बंदा तुरंत से ख़त्म हो गया। जोकर वाला बंदा क्या कर रहे थे यहाँ पर, अर्पण भाई को मारने के लिए आया था। चलो कोई ना, यहाँ पर 5 किल कंप्लीट। और देखो सामने से एक बंदा जा रहा है, देख सकते हो। यही मेरा गलती था, मेरे को लगा था बंदा इस घर पे गया है, असल में बंदा उस घर पे नहीं था, बंदा आ गया था मिडिल वाली घर पे। और जब मैं यहाँ पर पूरा मैं लगा था बंदा नहीं है, यस इससे उस घर पे देखेंगे, तुरंत से मार दिया और इस सिचुएशन पे मैं पूरा नीचे चला गया। तो इसी पोजीशन की बात कर रहा, ये सब आप नहीं करो तो ही अच्छा है, पहले घर पर देखो बंदा कहाँ पर भी हो सकता है। एंड लास्ट सिचुएशन 1% चांस रहता है कि घर से आप भाग जाओ, घर पे ना रुको, डिफेंस लेके मत मारने की कोशिश करो, क्योंकि वो लोग पूरा डायरेक्ट हेड पड़ सकता था मेरे को, बट क्योंकि लेट पड़ा ना उनका वो शॉट, उसका लेट था तो मेरे को हेड नहीं पड़ा। और ज़्यादातर हेड भी कम पड़ता है, कम नहीं ज़्यादा पड़ता है, बट लकीली मैं बच गया, 1% चांस था भागने का, वो भी भाग गया। तो ये सब मत करना, घर देख के बंदा वहाँ पर देखा, यहाँ पर फिर से आ गया, देखो वो बंदा पूरा लोकेशन चेंज कर रहा है, तो लोकेशन वो भी चेंज करना जानता है, इसीलिए मुश्किल हुआ। नेबर चेसिंग इसके लिए, यहाँ पर देखते हैं बंदा यहाँ पर आया है, ओहो यहाँ पर देखा, अब देखो बंदे देखो वहाँ पर मेरे को मारने की कोशिश कर रहा था, फेंट करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे बंदे को तो मार देना चाहिए। चलो मार दिया इसको अर्पण भाई ने, देख सकते हो। तो यही बंदा वही बंदा था, ठीक है। तो ऐसे बंदे को रश करके मारोगे ना तो ज़्यादा देख के मारना, सॉरी रश करके मारो बट देख के मारो, जैसे घर में रश किया था वैसा नहीं करना चाहिए था मेरे को। तो यहाँ पर फिर से कार लेके जा रहे हैं, बंदा कहाँ पर बैठा है, अच्छा कवर पे भी नहीं है। चलो कहाँ पर भाग गया, आई थिंक पीछे, ओ भाई पीछे से पड़ रही है। अरे भाई मेरा सुनहरे कार तोड़ने की कोशिश, नहीं नहीं हमें छोड़ूंगा नहीं। तो उसको अब हम लेंगे ड्रैग हेडशॉट, एम उठाओ एंड हेडशॉट। जब सीधा हाँ है ना बंदे ऊपर, बस एम उठा के कार एम फ्रंट से हेडशॉट ले सकते हो, ड्रैग हेडशॉट। उसके बाद ज़्यादा से ही मैं रश कर दिया, देखा नहीं, क्योंकि जब डैमेज करो रश करना होता है। और आप मोको यूज़ करते हो, आई थिंक मोको जो कैरेक्टर है ना वो भी बहुत बढ़िया है। कवर लेके बंदा कहाँ पर है आपको पता चल जाएगा। तो दो बंदा आए भाई लोग, क्या मेरे को आइला, मेरे को छोड़ दे भाई। दो बंदा मोशर कार लेके मेरे पीछे पड़ा है मेरे को मारने के लिए। तो ये लग एडम बाबा से बच के, क्योंकि ये लोग तो बहुत बड़े बड़े कैंपर्स हैं जो कार लेके लास्ट पे रश करते हैं। देखते हैं भाई कार लोगों से बचना पड़ेगा, नहीं तो मेरे को उड़ा देंगे। भागो यहाँ से। और मॉन्स्टर टेक ऊपर देख रहा था, थोड़ी देर बाद देखना वो मतलब मेरे पीछे पीछे कहाँ तक आ गया, मेरे को सोचा था कि वो लोग आए नहीं। जब मैं रोप वे से यहाँ पर उतरा और देखना पीछे वही दमासान मॉन्स्टर टेक मेरे पीछे पड़ा है। भाई ये छोड़ मेरे को, तू क्या कर रहा है भाई, देखो इसको छोड़ा तो फिर से और एक कार आ गया, मतलब मेरे पीछे 2-3 कार पड़ा है, देख सकते हो। पूरा तूफानी कर रहे, धूम 3 दिखा रहा है ये लोग तो भाई, पर छोड़ेगा नहीं अर्पण भाई। चलो चलते हैं यार, यहाँ पर आई थिंक बंदा लड़ाई चल रहा था, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि जो बंदा पीछे से मारता है ना उसको मारना सबसे टफ होता है। तो पीछे वाले बंदे से बच के, क्योंकि आपको आप भी बंदे को पीछे से मारोगे तो ये मुश्किल होता है बंदे को मारने को। तो सामने चलते हैं, जोन भी आ रहा है और वो बंदा आई थिंक आसपास होगा। 7 किल कंप्लीट यहाँ पर है आई थिंक। ओ भाई कहाँ से मार दिया भाई, फिर से डैमेज करेंगे, बंदा आ रहा है। और एक स्प्रे खत्म पूरा, और एक कप मार रहा था, देखा नेटवर्क प्रॉब्लम था इसके लिए। ये बंदा कहाँ से मार रहा था देखा नहीं दिया, बट डैमेज पड़ रहा है, ऊपर से पड़ रही है। ग्लूवल का कवर ले लिया, फिर से डैमेज करेंगे, 20 करके डैमेज, बहुत हार्ड कार का। ओ भाई फिर से मॉन्स्टर टक आ गया, मारो अब तेरे को छोड़ेगा नहीं, मारो इसको भाई, ये मॉन्स्टर टक कब से मेरे को परेशान कर रहा है। चलो जला दे इसको, और ऊपर वाले बंदे को डैमेज करेंगे, नहीं तो मेरे को मारने की कोशिश करेगा। जल्दी से डैमेज 22, ओ भाई थोड़ा सा ही हेल्थ से बच गया, कोई ना अब बंदे के ऊपर जाएंगे। राइट वाले मॉन्स्टर टक वाले बंदे के ऊपर रश करने जा रहे हैं, देखते हैं। फिर से लेंगे ऊपर उठा, एक डैग 190 का पड़ा, जल्दी डैमेज, बंदा ख़त्म। पीछे से पड़िए, फिर से ग्लूवल का कवर, बहुत हार्ड छोटा सा कवर, देखते हैं क्या होता है। ऊपर बंदा है, नीचे बंदा है, 4 बंदे मेरे सिवा 3 बंदे। ओ भाई पीछे से मार रहा है, फिर से बंदा पीछे से आ गया। MP40 का स्प्रे कवर, फिर से और एक स्प्रे, बंदा ख़त्म। तो 10 किल कंप्लीट हो गया, 10 किल, और लास्ट बंदा जिंदा है, देखते हैं क्या होता है। लास्ट जोन पे ऑलवेज कोशिश करो लास्ट जाने की, लास्ट जोन मतलब लास्ट, फर्स्ट जाओगे तो लास्ट बनोगे, तो इसके लिए फ़ायदा एकदम ज़रूरी है रैंक पे। कवर लेंगे, बंदा आ रहा है, कार का डैमेज 22 करके, हेल कम था एंड पूरा मर गया। तो बहुत बढ़िया भूया, 11 किल रैंक पे।
तो वीडियो को अच्छी लगे लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब जरूर करना मेरे भाई। नेक्स्ट जो मिलते हैं आज तक के लिए, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।